डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाए। हमारे देश का बना हुआ है, बहुत गर्व है हमारे पास। हम बिल्कुल लीडर्स ही हैं दुनिया में। हमारा देश ने बना हुआ, हमारे को बहुत ही गर्व है इस टैंक के ऊपर। टैंक इस्तेमाल करना का एकदम इजीली है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हिंदुस्तान के बाजुओं में ही ताकत नहीं है, हिंदुस्तान के दिमाग की कायल पूरी दुनिया हमेशा हमेशा से रही है। और आज वही दिमाग किस तरीके से वो सारे उपकरण, वो सारे हथियार तैयार करता है जिसे एक मुहिम कहा जाता है, मेक इन इंडिया, लेकिन वो हमारा लक्ष्य भी है। आज आपको डीआरडीओ किस तरीके से विकसित कर रहा है इन सारी चीजों को, टैंकों से लेकर मिसाइल तक की पूरी कहानी सुनाएगी। जब युद्ध भूमि में हथियार अपना हो, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। एक पूरा आर्मर का मटेरियल जो है वो हमारा है, गन हमारा है, गोला हमारा है। जब रणभूमि में गोला बारूद अपना हो, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हमारे नाम इंडिया ने फर्स्ट पहली मार्क वन अल्फा बहुत ही तगड़ा टैंक निकाला। इससे बेहतर कोई टैंक हो ही नहीं सकता। जब समर क्षेत्र में तकनीक अपनी हो, भारत की सोच है कि एक छोटे से कमरे के अंदर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी वातावरण हो सकता है, जो भी पर्यावरण का की फितरत हो सकती है, उसे यहाँ पर रिक्रिएट किया जाता है। स्वदेशी हथियारों से लैस सेना का जोश, जज्बा और जुनून सातवें आसमान पर होता। बहुत खुशी की बात है, इंडिया ने बनाया ये, हम तगड़ा यूज कर रहे हैं, दुश्मन को दांत को कट कर रखे इसमें से। कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है जब वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में। दुनिया में सात देश हैव अपना मेन बैटल टैंक, अपना डिजाइन, अपना अपने मेन बैटल टैंक हम ये बनाए। भारत के लिए, भारतीयों के लिए, ये मंत्र है डीआरडीओ का। इसी मंत्र को संकल्प में बदलकर डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर टैंक तक की वो स्वदेशी तकनीक विकसित की है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज टैंक को बनाने में हम बिल्कुल लीडर्स ही हैं दुनिया में। हम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम वर्ल्ड में लीडर्स हैं। इन वैज्ञानिकों का दिमाग समझिए कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये तकनीक दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक से टक्कर ले सकती है। और चूंकि मेड इन इंडिया है इसीलिए कहीं ज्यादा सस्ती। टेम्परेचर अभी कितना है? अभी एम्बिएंट 40 डिग्री मेंटेन किया हुआ। हिंदुस्तानी सैनिकों के बाजुओं को अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से ताकत मिल रही है। आज हम आपको उस मेड इन इंडिया लैब में लिए चलेंगे जहां आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भारत के सैनिकों में कभी कोई कमी नहीं थी।
हमने युद्ध पर युद्ध लड़े हैं, सामने जो हमारा दुश्मन रहा है वो एक से एक विकसित तकनीक लेकर आया है, लेकिन हमने कब्रगाह बना दी है उनकी। पैटर्न टैंकों से कैसी हमारी लड़ाई हुई थी वो हम सबको याद है, और आज भी वो एक म्यूजियम के तौर पर हमारी यादों में जीवित है, और शायद एक ऐसी शर्मिंदगी जिसे पाकिस्तान भुला देना चाहता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अलग अलग युद्ध के समय किस तरीके से अगर कभी हमें हथियारों की कमी महसूस हुई तो उस समय दूसरे देशों पर निर्भर रहना कितनी बड़ी समस्या और कितना बड़ा खतरा साबित हो चुका है। और इसीलिए आज जब हम मेक इन इंडिया की ताकत की बात करते हैं और देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का कोई भी निर्माण हो, कोई भी हथियार हो, DRDO किस तरीके से उसे विकसित करता है, किस तरीके से भारतीय सेना उसे आत्मसात करती है, वो सारी चीजें बताती हैं कि आज हिंदुस्तान की ताकत इस मेक इन इंडिया की वजह से कितनी गुना बढ़ चुकी है। ये हिंदुस्तानी दिमाग का नायाब नमूना है, ये भारतीय सेना की सबसे ताकतवर भुजा है, ये मेक इन इंडिया सोच का सॉलिड नतीजा है। इसकी क्षमता अद्भुत है, इसकी ताकत बेमिसाल है, ये है भारत का अभेद्य अर्जुन Mk 1 Alpha। तो क्या ये पूरी तरीके से स्वदेशी है या कुछ प्रतिशत हम माने की भी? Yes, अगर आप देखें तो इसमें 50% पूरे के पूरे स्वदेशी है, और ये यूनिट ये हम इंडियन इंडस्ट्री से बनवा रहे हैं। अच्छा। इंडस्ट्री कुछ कंपोनेंट्स बाहर से खरीदेगा, इंटीग्रेट करेगा और हमें दे देगा। व्हेन वी आर पेइंग मनी वी विल बी पेइंग ओनली इन इंडियन रुपीस। टेक्नोलॉजी हमारी है, वो इम्पोर्ट कर लेगा वो टेक्नोलॉजी। हाँ। जैसे हमने T90 को लिया, T90 का अभी हम बोलते हैं T90 का इंडियन है। हाँ। वो लिया था हमने टेक्नोलॉजी रशियन से, लेकिन हम बन रहा है पूरे इंडिया में। हाँ। उसका पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 70-80% इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द कंट्री, एंड द टेक्नोलॉजी द इंजीनियरिंग इज आल्सो अवेलेबल विद अस। और इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी है। Yes. और यहाँ बन भी रहा है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टैंक डेवलप्ड विद अस, वी नो द नो व्हाई। भारतीय सेना का जोश तब और हाई होता है जब उसके पास मेन बैटल टैंक के तौर पर पूर्ण रूप से स्वदेशी और सक्षम ऐसा टैंक। हमने एक टैंक आप देंगे तो उसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर। इस तीनों एस्पेक्ट्स में हमने इसको इम्प्रूव किया Mk 1 के जरिए। अर्जुन Mk 1 Alpha भारत में ही निर्मित टैंक है। मौजूदा अर्जुन टैंक पिछले अर्जुन Mk 1 टैंक का उन्नत संस्करण है। Actually, this is a main gun. This main gun can be used to be the gunner. There are two people can fire this main gun. One is the gunner. Second is a commander. Commander also can take over the main gun and fire. It's called under killer capability. Reason is the gunner main sight is used to surveillance the potential target. Gunner will look at the target, take the range and fire. Whereas that time commander can independently make the 360-degree surveillance. Achha. And then look for any potential target is in around, is there or not there. So he will make like that. Suppose gunner is seeing somewhere, commander is seeing some potential target is somewhere here. He wants to engage immediately that target. That priority to hit the target is first. So with the press of one button, wherever the commander is seeing through his sight, Achha. Gun will turn there, then he can fire. Uske bolte hunter killer capabilities. आइए आपको इस हंटर किलर की वो खूबियां दिखाते हैं जिसकी वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। अर्जुन Mk 1 Alpha का वजन करीब 68 टन। इसमें 14 बड़े बदलाव किए गए। ये तेजी से लक्ष्य का पीछा करके हमला करने में सक्षम है। ये टैंक हर मौसम में टारगेट को भेद सकता है, दिन हो चाहे रात हो, इसके निशाने से दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 120mm की राइफल गन है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके डिजाइन के अनुसार इसमें मिसाइल दागने की क्षमता भी। इस टैंक की बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये हिंदुस्तान की पहचान है। इसके अलग अलग पुर्जे देश के अलग अलग राज्यों में निर्मित हुए। ऐसी एक चीज डेवलप करने में कितने लोगों की मेहनत लगती है और कितने दिन लग सकते हैं? इसमें फेलियर्स भी होते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिजाइनर्स है तो हमें बहुत से फेलियर्स फेस करना पड़ते पहले।
अगर इस टैंक के ले लें हैं तो देर आर 18 लेबोरेटरीज ऑफ डीआरडीओ व्हिच आर वर्किंग टुगेदर. अच्छा, ऑल अक्रॉस इंडिया. ऑल अक्रॉस इंडिया एंड वी आर दी ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेटर. इसीलिए टैंक बोलते हैं सीवीआईडी से आ रहा है, सीवीआईडी से आ रहा है, लेकिन सीवीआईडी से ये गन जो आ रहा है ये पुणे से आ रहा है, ये माइन प्लाउ जो आ रहा है ये बैंगलोर से आ रहा है, तो आर्मर्स जो आ रहे हैं दो हैदराबाद से आ रहे हैं. तो ईच लैब इज डेवलपिंग इट एंड वी आर ओनली पुटिंग इट टुगेदर. सिस्टम इंजीनियर कर रहे हैं एंड गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रहा है. दो हजार आठ नौ में दोस्ताना मुकाबले में एमबीटी अर्जुन ने रूस में बने T-90 टैंक से फायरिंग और स्थिरता के कई पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया. ये ADWSA यानी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये अर्जुन मार्क 1 का भी हिस्सा था, अर्जुन मार्क 1 अल्फा का भी हिस्सा है. लेकिन फर्क समझिए किस तरीके से इसे और उन्नत किया जा रहा है. पहले किसी व्यक्ति को, किसी जवान को बाहर रहना पड़ता था टैंक से और तब इसे ऑपरेट किया जा सकता था. आज इसे ऑपरेट करने के लिए रिमोट पे इसे लिया गया है और उसका इस्तेमाल हो रहा है. भीतर बैठकर, टैंक के भीतर बैठकर एक जवान, एक सैनिक इसे ऑपरेट कर सकता है. कई सुधार इसमें किए गए हैं, 71 कुल सुधार बताए जा रहे हैं, लेकिन 14 ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है. दुश्मन का खतरा कहां से आ सकता है, इसे टैंक में लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पहले ही भांप लेता है और तुरंत अलर्ट कर देता है. इसका रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन को खाक में मिला देता है. इट्स द फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबल टू बी कॉल. That means when you fire the first round, hitting the target accurately with 90% accuracy. That's a big, that's we call FRHP. It is one of the best, this one. One of the best, and actually, one more thing is the firing accurately in the dynamic condition. That was very good with this tank. That way, I think it's one of the best tank in the world. एक टैंक को सर्वोत्तम बनाती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायरिंग तकनीक. इन तीनों गुणों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन मार्क 1 अल्फा को डीआरडीओ ने पहले के टैंक्स के मुकाबले बहुत सामर्थ्यवान बनाया. दिस टैंक्स आर मैसिव, वेट वाइज, साइज वाइज एंड प्रोटेक्शन. नॉर्मली टैंक इज द फायर पावर प्रोटेक्शन मोबिलिटी, सो ऑल एंगल्स द परफॉर्म, द टैंक विल परफॉर्म बेटर. And with this one tank, the accuracy level is also very very good. And then we'll be able to engage and destroy any other tank much comfortably. इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 118 अर्जुन मार्क 1 अल्फा टैंक सेना को समर्पित किए और इसी के साथ जमीन पर मारक क्षमता के मामले में देश ने एक और कदम आगे बढ़ाया. प्रोटेक्शन के साइड में हमने इसका ERA बोलते हैं उसको, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर. आपने अगर देखा तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना ऊपर, और हल में भी इसको ऐड किया. ये क्या करता है, टैंक को एनिमी के फायर से ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनेशन से प्रोटेक्ट भी करता है. दैट इज वन एडवांटेज. सेकेंडली ये जो आगे पड़ा हुआ है ना, वो माइन प्लो बोलते हैं उसको, जो आगे फ्रंट में है, वो एनिमी अगर हम एडवांस कर रहे हैं तो एनिमी माइंस डाल देता है उनके जगह पे, सो दैट अगर हम जाएंगे तो माइन फटेगा तो ये ट्रैक फटेगा, ट्रैक फट जाता है तो गाड़ी इमोबाइल हो जाता है. तो एनिमी इज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग अस. उसके लिए हमने ये माइन प्लो डालिया. माइन क्या करता है, इसको प्लो करते ही जाएगा गाड़ी, आगे जाते जाते इसको नीचे कर देंगे, पूरा माइन को साइड पे फेंक देगा ताकि कोई माइन ट्रैक में ना लगे और ट्रैक सेफ रहे, गाड़ी चलता जाएगा. देश भर के अलग अलग लैब्स में इसे विकसित किया गया है और जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये अंतिम अपने स्वरूप में पाया जाता है, ये इसकी लीड लेबोरेटरी है. इसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं और जितना भी इसका प्रदर्शन रहा है वो बहुत संतोषजनक रहा है. खासकर जिन हाथों को इसे इस्तेमाल करना है वो इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है.
दुश्मन की चुनौतियों के लिहाज से अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने बर्फीले मौसम में भी युद्ध लड़ा है, -50 के नीचे के तापमान पर सरहद की रक्षा की है, तो 50 डिग्री की लपटों से तपती रेतीली सरहद की भी सुरक्षा की। वेदर का असर टैंक पर कैसे पड़ता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो, बर्फ पड़ती हो, तो क्या क्या टेस्ट क्या करते हैं? भाई उतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये कम करना पड़ेगा, इसमें फेलियर फ्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। अगर हमारा सेना मिशन में जाते समय में इसमें फेलियर नहीं होना, क्योंकि इतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में फेलियर हो सकता है टैंक में। हर तरह के मौसम में अर्जुन को अचूक बनाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ लंबा समय लगता है बल्कि खर्च भी ज्यादा होता है। यानी गर्मी में टैंक कितना कारगर है इसके लिए इसे रेगिस्तान भेजना होता है, ठंड में कितना कारगर है ये जानने के लिए इसे बर्फीले इलाकों में भेजना पड़ता है। अव्वल तो उस मौसम का इंतजार और दूसरा उस सरहद तक पहुँचाने की समस्या। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाला, एक ऐसा क्लाइमेट चेंबर तैयार किया जहां हर तरह का मौसम सिर्फ एक बटन दबाने पर तैयार हो जाता है। यहां पर बहुत ठंड है, अच्छा महसूस हो रहा है चेन्नई की ह्यूमिडिटी में, लेकिन ये क्या है सर? इसमें बताया जा रहा है कि हर तरह के क्लाइमेट्स के जरिए इस टैंक को गुजारा जाएगा। या एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट क्लाइमेटिक चेंबर and India's one of its kind. Here we can simulate the entire climatic conditions, like if you hamara desh ke seema ke dekho to Gujarat ka seashore aur Rajasthan ka desert aur Himachal ka range, ye sab alag alag climatic conditions hota hai. Us climatic us jahan mein hamara sainik tank ko deploy karta hai। यहाँ पर कृत्रिम रूप से रेतीले रेगिस्तानों की गर्मी, बर्फीली सर्दियों और उमस जैसे माहौल को तैयार करके अर्जुन को अचूक बनाया गया। मेक इन इंडिया जो हो रहा है, ऐसी जगह भी मैंने और कहीं देखी नहीं है, क्या ये अपने वन ऑफ इट्स काइंड है? ये वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट सोलर स्पेक्ट्रम भी यहाँ कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि धूप में क्या होता है, अगर टैंक वहाँ कड़ा होते समय में इतना धूप में वो बैरल बेंड हो सकते हैं, उसका रबर कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं इसमें इस केंद्र में। तो इसलिए ये हमारा डिजाइन साइकिल को कम किया और कास्ट भी कम कर दिया, हमारा लॉजिस्टिक्स हमेशा कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। रणभूमि में ये टैंक सैनिकों की ढाल बनते हैं। अर्जुन टैंक खुद में एक शस्त्रागार और डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं इसे उन्नत और उन्नत बनाने में। भारतीय जवानों के बीच अर्जुन का होना एक भरोसेमंद साथी की तरह है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो उन्हें गौरवान्वित करती है वो ये कि अर्जुन स्वदेशी। डीआरडीओ ने टैंक को उन्हें मिलने वाली युद्ध की चुनौतियों पर विजय दिलाने वाले योद्धा के रूप में तैयार किया। इसमें आपको बेहतर क्या दिखता है? इसमें बेहतर है साहब इसका एक्यूरेसी, फायर का जैसे मूविंग टारगेट है, मूविंग टैंक है, तो एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट राउंड हिट है। अच्छा। और इसमें फायर पावर, मोबिलिटी, ये सब कह रहे हैं कि बेहतर है? बहुत बेहतर है। इसे पहली बात में हमारा देश ने बनाया था, इसमें बहुत खुशी, बहुत प्राउड पूरा, और इसका हमने बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फर्स्ट राउंड हिट है इसमें। हिंदुस्तान में बना ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों ने तो दुनिया भर के टैंक्स देखे हैं। सबसे पहली मेन यही मैम, ये हमारा इंडिया ने सबसे पहले ये बनाया गया, पिविट में इसको खड़ा करके चारों तरफ 360 डिग्री इसको जब भी चाहिए तभी हम घुमा सकते। दुश्मन हमारे पीछे से फायर कर रहा तो हमारे पता चल गया, एकदम हम पिविट में लगा के या रोटेशन करके उनका ऊपर फायर कर सकता है। अच्छा। बहुत तगड़ा फायर है मैम। जरूरतों को ध्यान में रखकर परफेक्ट मेक इन इंडिया का एग्जांपल है। जो
भारी भरकम टैंक होते हैं ये भी इंसानी हाथों से ही बनाए जाते हैं। ये पूरी वो सपोर्ट टीम है जिसने मिलकर इतने सालों से, इतने महीनों के अथक परिश्रम से एक ऐसी चीज को विकसित किया है जिसके इस्तेमाल से हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखती है। कल से भारत का रुतबा रहा है विश्व गुरु का। जरूरत है आज वापस उस रसूख को हम हासिल करें और मेक इन इंडिया उसी की ओर एक कदम है। इंडिया का दम, यह है आत्मनिर्भर भारत का प्रहार। ये है स्वदेशी तेजस की ताकत। भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पांचवी पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल से लैस होने के बाद और भी घातक हो गया। तेजस के साथ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी में से एक है। ये कई मायनों में विदेश से आयातित सैन्य उपकरणों से भी बेहतर। डिफेंस के क्षेत्र में डीआरडीओ लगभग हर फील्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। आप देखेंगे मिसाइल्स में भी, एरोनॉटिक्स में भी, आपने इवन लाइफ साइंसेस का काम देखा होगा इस बार कोविड में कैसा रहा। इसके अलावा रडार्स की फील्ड में, इसके अलावा नेवल सिस्टम्स की फील्ड में, आर्मामेंट की फील्ड में, जो कि गन्स आपने टैंक्स के बारे में सुना होगा, अर्जुन टैंक के बारे में सुना होगा। तो इस तरह से डीआरडीओ ने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डिफेंस से संबंधित हो और डीआरडीओ उसमें काम ना कर रहा हो। जितनी भी चीज़ें हमारी तीनों सेनाओं को ज़रूरत होती है डीआरडीओ उन्हें डेवलप करने की कोशिश पूरी कर रहा है। डीआरडीओ इस मुहिम को, सारी इंडस्ट्री को अपने साथ लेके, सारा एकेडमियों को अपने साथ लेके आगे बढ़ा रहा है और डीआरडीओ के साइंटिस्ट और डीआरडीओ के बाकी टेक्नीशियंस और स्टाफ बहुत ही मिशन मोड में काम करते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी हर प्रोडक्ट बन सके और उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि जो बाहर से भी ज़्यादा सूटेबल हो हमारी सेनाओं के लिए, क्योंकि वो यहाँ के ही पैरामीटर्स के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। सिंगल इंजन वाला तेजस लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी है जिसमें 50% से ज्यादा कलपुर्जे भारत में ही निर्मित है। यह सिंगल सीटर पायलट वाला विमान है लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2-सीटर। ये हवा से हवा में, हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बॉम्ब और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। विमान में स्वदेश में विकसित किया हुआ रेडार भी है। दुनिया में सबसे अधिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर अमेरिका और चीन करते हैं। सैन्य साजो सामान पर खर्च के मामले में तीसरा नंबर भारत का है। ऐसे में डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। मिसाइल से लेकर बॉर्डर सर्वेलांस सिस्टम तक कई उपकरण और हथियार एक साल में ही डीआरडीओ ने विकसित किए। मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है।
क्योंकि देश का रक्षा के लिए जो देश में बनता है वही इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि वो इक्विपमेंट का ताकत क्या है, इक्विपमेंट का रेंज क्या है, एक्यूरेसी उनका कैपेबिलिटी पूरा हमको मालूम होता है, उसके वजह से हमको आत्मनिर्भरता मिलता है। ये देश में जो डिज़ाइन किया, डेवलप किया, इधर ही प्रोड्यूस किया, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा देश का सुरक्षा का क्षेत्र में। सो इसलिए सबसे सुरक्षा क्षेत्र में देश में बनाने वाला इक्विपमेंट चाहिए। डीआरडीओ दुनिया के दूसरे देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट करने पर भी फोकस कर रहा है। इसमें एरोनॉटिकल सिस्टम है, मिसाइल प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहां तक कि परमाणु जैविक उपकरण भी। मेक इन इंडिया बहुत अहम इसलिए है कि जब जरूरत होती है सेनाओं को युद्ध के समय, तो अगर बाहर से लाई हुई चीज होती है तो कई बार उसके कंपोनेंट वगैरह मिलने में समस्या आ जाती है। इसलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप होती है और उसके बहुत सारे स्पिन ऑफ्स भी होते हैं जो कि सिविलियन सेक्टर में काम आते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो उसकी वजह से जो मैन पावर डेवलप होती है वो बहुत सारी और इंडस्ट्री में भी काम आती है। सरहदों की रक्षा सैनिक करते हैं और डीआरडीओ उनके हितों की रक्षा, लेकिन दोनों का एक उद्देश्य देश की रक्षा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब एक एक सांस बचाने के लिए संघर्ष चल रहा था, तब आत्मनिर्भर भारत डीआरडीओ के रूप में अपने संसाधनों के साथ जुट गया और रातों रात हालात बदले। ये मेक इन इंडिया की सदी की बड़ी तस्वीर है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना के समय जब बहुत मुश्किल हुई और लोग बहुत सारे ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब डीआरडीओ से कहा गया कि डीआरडीओ नंबर वन हॉस्पिटल सेटअप करे। इस वाली सेकंड वेव में हमने हॉस्पिटल्स भी सेटअप करे 12-13, और इसके अलावा ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए डीआरडीओ अब टोटल 866 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे। इसके अलावा 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिलेंडर्स जो तैयार किए जा रहे हैं जिसमें आपकी अपनी SpO2 रीडिंग के बेस पे ऑक्सीजन कंट्रोल होगी। तो उससे पहले डीआरडीओ, अगर आपने देखा होगा पिछली वेव में वेंटिलेटर्स डीआरडीओ ने डेवलप किए थे, PPE किट डेवलप की थी, मास्क डेवलप किए थे, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो जो भी जब जब भी ज़रूरत पड़ी डीआरडीओ ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी और चीज़ें डेवलप की, लोगों को पहुँचाई। दुश्मन तो था लेकिन इस बार सरहद पर नहीं, देश के अंदर और बिल्कुल अदृश्य, न उसकी चाल का पता न उसके रूप का। डीआरडीओ ने दिल्ली में 500 बेड का अस्पताल, लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल, वाराणसी में 750 बेड, पटना में 500 बेड, श्रीनगर में 500 बेड और अहमदाबाद में 900 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया। 8 से 10 दिनों के भीतर कोविड अस्पताल तैयार किए, और जब ऑक्सीजन की किल्लत आई तो डीआरडीओ ने सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में कुछ दिनों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार कर दिए। इसके बाद देश भर में 500 और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का लक्ष्य रखा। डीआरडीओ के इन प्रयासों से देश की सांस में सांस आई, और कोरोना संक्रमण की दवाई के रूप में जिस सबसे बड़ी खुशी की प्रतीक्षा देश को थी, वो पहली खुशखबरी भी 2DG दवाई के रूप में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दी। आत्मनिर्भर भारत केवल एक राजनीतिक आह्वान नहीं बल्कि सामर्थ्यवान और शक्तिशाली भारत का मंत्र है। मेक इन इंडिया ने कोरोना टेस्टिंग से लेकर सरहदों पर देश की सुरक्षा तक के शस्त्र तैयार कर लिए। विकसित देशों को भारत की आत्मनिर्भरता अधिक रास आए या न आए, लेकिन देश के कदम बढ़ते रहेंगे क्योंकि सरहद पर जाग रहे हैं जवान और लैब्स में देश के वैज्ञानिक। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत लगातार एक तरफ जहां विदेशी तकनीक को अपने डिफेंस में शामिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी तकनीक का भी विस्तार कर रहा है। पिछले महीने भारत ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो इसी महीने 11 अगस्त को
स्वदेशी इंजन वाला निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट कर दुनिया को बता दिया कि क्यों भारत मिसाइल तकनीक की उभरती हुई ताकत है। निर्भय 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल, डीआरडीओ निर्भय मिसाइल के जिस संस्करण का परीक्षण कर रहा है उसे वायुसेना और नौसेना में तैनात किया जाएगा। निर्भय की खूबी ये है कि ये 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकती है। समुद्र और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रेडार को चकमा दे सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन इस पर निशाना नहीं लगा पाते। इसी साल 23 जुलाई को डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आकाश एनजी यानी न्यू जेनरेशन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे वायुसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर। बहुत सारे कंपोनेंट्स भी देश में बन रहे हैं। अभी आप रेडार्स का क्षेत्र में देखिए, पूरा जो रेडार्स का जो ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल चाहिए, हर एक जो कंपोनेंट उसमें चाहिए वो बन रहा है देश में। और एयरक्राफ्ट का देखिए, एयरक्राफ्ट का जो कंपोनेंट्स पूरा चाहिए वो देश में बन रहा है। मटेरियल्स का रिलेटेड कंपोनेंट्स और अदर क्षेत्र में जो कंपोनेंट्स है वो बन रहा है। एयरक्राफ्ट का रिलेटेड पूरा सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स ये भी देश में बन रहा है। कल ही हमने आगे लेके जाना है सेमीकंडक्टर्स का कंपोनेंट्स का क्षेत्र में, देश में अभी फैब आना है, उसका दिशा में भी सरकार ने बहुत काम कर रहा है। अग्नि मिसाइलें भरोसा है भारत का। कोई कितनी भी चालें चल ले, षड्यंत्र रच ले, जब बात शक्ति की आएगी तो ये मिसाइलें पल भर में हर शत्रु के हर मचान को खाक कर देंगी। इन मिसाइलों में अग्नि 5 से लेकर अग्नि 1 तक पूरी सीरीज। जमीन से जमीन पर 300 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है धनुष मिसाइल। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में बेजोड़ है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण। स्वदेशी मिसाइलों की श्रृंखला में भारत के पास नाग मिसाइल है। 1990 में इसका सफल परीक्षण किया गया। भारत के पास सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक प्रक्षेपास्त्र शौर्य भी है, जिसकी मारक क्षमता 750 से 1900 किलोमीटर है। ये भारत का पहला हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल। AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम, ये रक्षा प्रणाली भी है और दुश्मन के हथियार की तोड़ भी लेता है। इसकी डिजाइन से लेकर निर्माण तक शुद्ध रूप से भारतीय। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। समुद्र की अनंत जल राशि पर सम्राट की तरह काबिज मेक इन इंडिया विक्रांत दुनिया के लिए ऐलान है। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से अब यहाँ भी वंदे मातरम होगा। हिंदुस्तान शामिल है दुनिया के उस क्लब में जिसके पास अपनी तकनीक है, अपनी निर्माण क्षमता है और अपना साहस है ऐसे विमान वाहक जहाज बनाने के लिए। जो देश में बनता है, हमारा जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है, उनके इधर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहता है उनके लिए हमने डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए जहाँ जो देश में हमने चाहिए वो देश में अगर डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन करने तो वो देश के लिए एकदम अच्छा सा टेलर मेड प्रोडक्ट हो सकता है।
हथियारों के इंपोर्ट के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और एक्सपोर्ट करने के मामले में 24वें नंबर पर। 2016 से 2020 के बीच दुनिया के आर्म्स इंपोर्ट में 9.5% हिस्सा भारत का रहा और एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा केवल 0.2% रहा। हालांकि इस असंतुलन को दूर करने के भी प्रयास हैं। इसे ऐसे समझिए कि 2011 से 2015 के बीच के अंतराल से अगले टाइम पीरियड में आयात 33% कम हुआ। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कर रहे हैं। अभी डीआरडीओ ने बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप करके देश को एडवांस्ड नेशंस के साथ में रखने के लिए बहुत प्रयास किया। अभी हम कई क्षेत्र में दुनिया में एडवांस्ड नेशंस के साथ हमारा ताकत है। गन्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट्स का क्षेत्र में देश में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुआ। इस बार के बजट में रक्षा आधुनिकीकरण फंड का 64% हिस्सा घरेलू उत्पादकों के लिए रखा गया। ये करीब 70,000 करोड़ रुपए बैठता है। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत रक्षा सेक्टर को कोर एरिया माना गया है और ये आवंटन इस दिशा में बड़ा कदम है।